वेलकम वेलकम वेलकम, जय भारत जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वॉचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिलीव्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिगार्डिंग सोल एंड रीबर्थ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मा और पुनर्जन्म को लेकर क्या मान्यताएं या क्या विश्वास है। ठीक है, इसे आप दर्शन का पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बौद्ध धर्म, देखिए हम अलग अलग पार्ट कर रहे हैं। पहले मैं डिटेल करा चुका हूं, उसके बाद हमने एक वीडियो में देखा था कि संसार को लेकर, हाँ, सृष्टि को लेकर, यूनिवर्स को लेकर क्या मान्यताएं हैं। यहां हम एक जगह तो कर ही चुके हैं डिटेल में। ठीक है, फिर जब हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट में बुद्धिज्म जैनिज्म की, तो वहां भी देखेंगे। यहां पर देखिए कि अगर हम आत्मा की बात करें या सोल की बात करें, तो आत्मा में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, इसीलिए बौद्ध धर्म को हम कहते हैं अनात्मवाद या नैरात्मवाद। ठीक है, तो ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आत्मा में ये विश्वास नहीं करता। लेकिन ये देखिए, आत्मा में विश्वास नहीं करता, आत्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, ये रीबर्थ में विश्वास करता है। रीबर्थ में विश्वास करता है, यानी कि पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है। ठीक है, अब बड़ी अजीबोगरीब बात है, बौद्ध धर्म कहता है कि वो आत्मा को तो नहीं मानता, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं अलग अलग करा रहा हूं एक एक पॉइंट को उठाकर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये कहता है कि बेसिकली हमारे जो पुनर्जन्म होता है वो एनर्जी का और चेतना के रूप में होता है। ठीक है, ठीक है ना, हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए होते हैं वही चेतना एक बार वो दोबारा जन्म लेती है, लेकिन सोल करके एग्जिस्टेंस को वो नकारता है बौद्ध। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये कहता है कि चेतना के रूप में, हाँ, चेतना जन्म लेती है, एनर्जी जन्म लेती है, ये कहता है उसी का पुनर्जन्म होता है। और हमारा जो पुनर्जन्म होता है वो पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए होते हैं, हाँ, हमने जो कर्म किया उसी को भोगने के लिए ये जन्म दोबारा होता है, ये कहता है। तो सोल नहीं, को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है बौद्ध धर्म। अब यहां देखिए, ये सोल को भी मानता है और ये रीबर्थ को भी मानता है। सोल का मतलब आत्मा, यहां लिख लीजिए, सोल का मतलब क्या, आत्मा, और रीबर्थ यानी ये पुनर्जन्म, इसको भी मानता है। तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ये आत्मा को मानता है तो पुनर्जन्म को मानता है। यहीं पे थोड़ा सा आपको बुद्धिज्म में आपको क्लियर रखना पड़ेगा, बस अगर पीटी के लिहाज से देख रहे हैं, बाकी जब अगर डिस्क्रिप्टिव लिखने की बात आएगी तो आप वो भी लिख लेंगे, क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट तो मैं समझा ही रहा हूं। यहां सोल है लेकिन पुनर्जन्म नहीं है, हाँ, आत्मा है लेकिन यहां आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म में आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन पुनर्जन्म का है, ये आप ध्यान रखिए। क्रॉस का मतलब नहीं है, सोल नहीं है लेकिन रीबर्थ है। यहां देखिए, सोल भी है और रीबर्थ भी है, लेकिन यहां एक सोल का या आत्मा का एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये कहता है जैनिज्म कि आत्मा तो है, लेकिन आत्मा जो है ये एनिमेट और इनएनिमेट दोनों में, यानी सजीव में भी है और ठीक है, यहां इनएनिमेट और एनिमेट को हमने सजीव निर्जीव लिखने की जरूरत नहीं, समझा देता हूं। एनिमेट का मतलब सजीव, इनएनिमेट का मतलब निर्जीव। ठीक है ना, सजीव और निर्जीव दोनों में है, यानी जड़ और चेतन दोनों में है। ठीक है, ये जड़ हो गया, यहां आप समझिए ये चेतन, इसी को कहते हैं सजीव। ठीक है, और ये जड़, ठीक है ना,
जड़ और चेतन दोनों में आत्मा है कहता है, यानी सजीव में भी है निर्जीव में भी है, एनिमेट और इनएनिमेट दोनों में है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। जैन धर्म कहता है कि आत्मा जो है वो सजीव निर्जीव दोनों में है, यानी आप आत्मा इंसानों में है, आत्मा जानवरों में है, आत्मा झरनों में है, आत्मा पहाड़ों में है, हाँ सोल का एक्जिस्टेंस हर जगह है, आत्मा दीवारों में है, आत्मा पंखे में है, आत्मा हर जगह, आत्मा आपके एयर कंडीशन में है, आत्मा आपके फ्रिज में है, यानी सजीव निर्जीव जो भी है हर जगह सोल है। तो यहां जो है ना, आपको आत्मा की अगर बात करेंगे तो एनिमेट इन एनिमेट दोनों में है, यानी कि ये अगर देखें तो आत्मा ह्यूमन में है, ठीक है, आत्मा ह्यूमन में है, एनिमल्स में है, पेड़ पौधों में है, ठीक है ना, यानी कि प्लांट्स में है, ठीक है ना, प्लांट्स में है, उसके अलावा प्लांट्स है आपको स्टोन्स में है, ईंट में है, सारी चीज सजीव पहाड़ों में है, माउंटेन्स में है, ठीक है ना, इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए, माउंटेन्स में है, हाँ पहाड़ों में है, झरनों में है, हर जगह है आत्मा। तो यहां आत्मा का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा विस्तृत है, बौद्ध धर्म बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन आत्मा के बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, बट बुद्धिज्म डज बिलीव इन द रीबर्थ। बुद्धिज्म जो है, बौद्ध धर्म जो है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करता लेकिन पुनर्जन्म में करता है, ये आत्मा में भी विश्वास करता है और पुनर्जन्म में भी करता है, ठीक है। तो पुनर्जन्म आत्मा से यहां का मतलब क्या है, यहां आत्मा का मतलब ये है कि ये बौद्ध जैन धर्म कहता है कि जड़ और चेतन दोनों में आत्मा है, यानी एनिमेट में भी है, चेतन में भी है, इनएनिमेट में भी है, जड़ में भी है, यानी सजीव में भी है, निर्जीव में भी है, यानी इंसानों में है, ह्यूमन में है, जानवरों में है, पेड़ पौधों में है, पत्थरों में है, ईंट में है, ठीक है, पहाड़ों में है, झरनों में, दुनिया की हर वस्तु में, ठीक है, सोल दुनिया की हर वस्तु में है, इनएनिमेट प्लस एनिमेट अगर कह दिया, यानी एनिमेट या इनएनिमेट कह दिया, तो इसका मतलब कि दुनिया की हर वस्तु में आत्मा है, समझ गए बात को। जैन धर्म दुनिया की हर वस्तु में आत्मा, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं, जैन धर्म दुनिया की हर वस्तु में आत्मा, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं, और पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत छोटी वीडियो है, इसको आप देखिए और ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। मैं छोटा छोटा जो वीडियो बनाता हूं, ये तो बहुत ही छोटी वीडियो है, लेकिन मैंने जानबूझ के बना दिया, 5-7 मिनट का वीडियो 10 मिनट का बनाने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया कि चलिए इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, कम से कम सोल को लेकर और रीबर्थ को लेकर। बुद्धिज्म याद कीजिए, हाँ डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा नहीं है बुद्धिज्म कहता है, हाँ ये कहता है आत्मा है, ठीक है। अब ये आत्मा है तो कहता है कहां कहां है भाई, जैन धर्म कहता है कि आत्मा हर जगह है, दुनिया की हर वस्तु में है, पहाड़ों में, झरनों में, इंसानों में, हाँ जानवरों में, पेड़ पौधों में, यानी चेतन और जड़ यानी एनिमेट इनएनिमेट दोनों में है, ठीक है। और चूंकि ये आत्मा को तो मानता ही है तो इसलिए पुनर्जन्म को तो मानेगा ही, ये आत्मा को ना मानते हुए पुनर्जन्म को मानता है, क्योंकि इसका मानना है कि रीबर्थ जो पुनर्जन्म होता है वो चेतना का होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, keep smiling.